नमस्कार, एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। हालांकि हमने तीसरा मोर्चा देखा कि 2014 में ये प्रयोग फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, 2019 में ये प्रयोग फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर से अब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट नजर आने लगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझिए। शरद पवार के घर पर मोदी विरोधी चेहरों की एक बड़ी मीटिंग कल बुलाई गई है, यानी 22 जून को बुलाई गई है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब उससे ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर से शरद पवार खुद मिल चुके हैं। और याद रखिए कि जो मोदी विरोध के 15 बड़े चेहरे हैं, जिसमें ममता बनर्जी का नाम भी बताया जा रहा है, टीएमसी भी को भी शामिल हुआ बताया जा रहा है, वो बड़े चेहरे हैं जो मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए और 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से आज शरद पवार की मीटिंग कोई बहुत आम मीटिंग नहीं थी। ये बड़ी मीटिंग इसलिए कही जा रही कि 15 दिनों के भीतर शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच ये दूसरी मीटिंग हुई है और घंटों बातचीत हुई। अगर इसे घंटे में एक्सप्लेन करना चाहें तो दोनों दिन को मिलाकर तकरीबन 8 से 9 घंटे इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली बातचीत तो नहीं हुई होगी, इतनी लंबी बातचीत की 9 घंटे चले। तो इसलिए कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। अब क्या खिचड़ी पक रही है, हम आपको वो समझाते हैं। कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 30 जनवरी 2018 को बीजेपी के बागी नेता या बीजेपी से जो बाहर हो चुके हैं यशवंत सिन्हा, आप सब जानते हैं यशवंत सिन्हा ने एक मोर्चा बनाया था 30 जनवरी 2018 को और इस मोर्चे का नाम रखा गया था राष्ट्र मंच। कहा जा रहा है कि आजकल यशवंत सिन्हा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनकी यही कोशिश है कि मोदी को हराने के लिए मोदी विरोध के जितने भी चेहरे हैं उन्हें एक मंच पर लाया जाए और इसमें उनका साथ दे रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जो खबर आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा, रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस से बागी हैं, रेणुका चौधरी साथ दे रही हैं, संजय सिंह साथ दे रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और सांसद भी हैं, सुरेश मेहता साथ दे रहे हैं, पवन शर्मा साथ दे रहे हैं। गठन क्यों हुआ था राष्ट्रमंच का वो समझिए। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मोदी विरोधी पार्टियां थीं या मोदी विरोधी नेता थे उन्होंने ये मंच तैयार किया था कि एकजुटता हम दिखा सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में इसका गठन हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और तब ये प्रयोग फेल हो गया। कल जो मीटिंग शरद पवार के घर पर बुलाई गई है उसके 3 बड़े मतलब निकल कर आ रहे हैं। क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि क्या 2024 से पहले तीसरा मोर्चा का गठन पूरा कर लिया जाएगा और शरद पवार उसके सर्वमान्य नेता घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे, इसलिए सवाल उठ रहा है। दूसरा कि आपने देखा कि तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई और बीजेपी की इस हार को जोड़कर देखा गया प्रशांत किशोर की जीत से, तो प्रशांत किशोर ने जो बंगाल चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर मध्यस्थ बनेंगे, तमाम दलों के एक ब्रिज का काम करेंगे वो तमाम दलों के लिए। और क्या वो तैयार करेंगे सभी दलों से बातचीत के बाद कि आप शरद पवार को सर्वमान्य नेता मान लीजिए। तीसरा मतलब क्या है कि पवार तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करेंगे, जैसे कि अभी यूपीए की चेयरपर्सन कौन है, सोनिया गांधी हैं, तो क्या इसी तरह जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसमें शरद पवार आगे से लीड करने वाले हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी को भी शामिल बताया जा रहा है, हालांकि ममता बनर्जी कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो इस वक्त मोदी विरोधी चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा तेजी से उभरती हुई नेता हैं। तो ममता बनर्जी ने हाल ही में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार ने टीएमसी को भी शामिल होने का न्योता भेजा है, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हो, या फिर हो सकता है कि उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। पहली बार होगा जब राष्ट्र मंच के किसी बैनर के नीचे या राष्ट्र मंच की कोई इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि संजय सिंह ने इसका, यानी आम आदमी पार्टी ने इसका फुल सपोर्ट किया है, ममता बनर्जी ने भी इसका फुल सपोर्ट किया है, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस से भी जो बागी लीडर्स हैं वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कांग्रेस, एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी, एंटी मोदी सारे चेहरे एकजुट और एक साथ नजर आ सकते हैं।